Assalamualaikum dear students, welcome, so Dr. Hadi here. First year के biology से आज digestion के chapter का fourth lecture है, जहां हम stomach को पढ़ेंगे. Stomach digestive tract का हिस्सा है. हमने आज के lecture में हम stomach को सबसे पहले उसके parts, structure पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत एनाटॉमी, उसके बाद उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि माउथ से, अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माउथ से एक पाइप आएगा, उस पाइप का नाम क्या है, एसोफेगस. ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन है, ठीक है आपके लिए, एसोफेगस. ये जो एसोफेगस खुराक का एक पाइप है, ये क्या करेगा, ये इंटर हो जाएगा एक बेग लाइक स्ट्रक्चर में, बेग लाइक स्ट्रक्चर में, और डायग्राम आपने सीखना है. ठीक है, एक बेग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं. स्टमक को पहले पार्ट्स अगर आपको हम दिखा दें, आस्ता आस्ता हम इसके डेप्थ में जाएंगे. स्टमक पे इसके अगर आप पार्ट्स देखें, स्टमक के जो पार्ट्स हैं, तो वो यहाँ पर आपको चार हिस्से नजर आएंगे. बाज बुक में दो हिस्से हैं. यहाँ से ये जो इलाका, जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज फंडस. ठीक है, फंडस रीजन है, और यहाँ पर खुराक की स्टोरेज होती है. इससे पहले जो रीजन है, यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ जहाँ पर एसोफेगस मिल जाता है स्टमक के साथ, यहाँ पे एक छोटा सा आप समझिए सुराख है, गेट है, एंट्री पॉइंट है, इसका नाम है स्फिंक्टर. ठीक है, अब चूंकि ये जो स्फिंक्टर है, ये दिल के करीब है, हार्ट के करीब है. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर जो है. ये स्फिंक्टर रेगुलेट करते हैं चीजों का, खुराक का स्टमक के अंदर आना और जाना. ठीक है, मोस्टली चीजें यहां पर आती हैं, बहुत कम ऐसे टाइम ऐसे होता है जहां पर आपको उल्टी आती है, तो फिर आप स्टमक से चीजें वहां से ऊपर जाएंगे. ठीक है, अच्छा ये दो हिस्से हो गए. थर्ड पार्ट, ये जो बकिया रिमेनिंग पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो सारा बाकिया हिस्सा है, ये सारा का सारा जो है, ये स्टमक का बॉडी कहलाता है. और बॉडी में डाइजेशन वगैरह, एंजाइम के साथ खुराक का मिक्स होना, खुराक का तोड़ देना, ये यहाँ पर बॉडी के अंदर होता है. तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट. अब फोर्थ पार्ट जो लास्ट है, वो क्या है, जहाँ पर स्टमक इंटेस्टाइन के साथ, अब ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, ये है इंटेस्टाइन. ठीक है, ये इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होते हैं. तो जहां पर इंटेस्टाइन और मेद स्टमक के दरमियान जो जंक्शन आ रहा है, वहां पर भी एक स्फिंक्टर है. उस स्फिंक्टर का नाम क्या है, उस स्फिंक्टर का नाम है, थोड़ा सा मैं यहां पर क्लोज करके इधर लिख लेता हूं. ठीक है, इधर एक स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर. अच्छा, इसके अलावा ये चार पार्ट्स हो गए. ठीक है, तो ये हमने यहां पे देख लिया कि यहां पर हमारे पास फोर पार्ट्स आ गए. अब स्टमक तो एक बेग नमा है, एक थैले नमा स्ट्रक्चर है, बेग लाइक स्ट्रक्चर है. तो अगर अंदर से तो आपको नजर नहीं आएगा, अगर आप इसका दीवार, अगर आप इसका वॉल को काट दोगे, थोड़ा सा काट दोगे तो आपको अंदर का इलाका नजर आएगा. ठीक है, बेग है, एक वॉल काटोगे तो अंदर आपको नजर आएगा. ठीक है, इनसाइड स्टमक है, इनसाइड आपको नजर आएगा. इनसाइड अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फोल्ड्स नजर आएंगे स्टमक के अंदर, ऐसे आपको फोल्ड्स नजर आएंगे. ठीक है, ये आपको फोल्ड्स नजर आएंगे, फोल्ड्स. लाइक जैसे आप अपना जिल्द को थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो जिस तरह आपको फोल्ड्स नजर आते हैं, इसी तरह के फोल्ड्स आपको यहां पर स्टमक के अंदर नजर आएंगे. इन फोल्ड्स का नाम क्या है, रज्जी. ठीक है, इन फोल्ड्स का नाम क्या है, रज्जी.
रजी से क्या होता है कि स्टमक का अंदर जो इलाका है वो उस इलाके का रकबा एरिया बढ़ जाता है। ये जो रजी है इसकी वजह से एरिया बढ़ जाता है। जाहिर है जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा खुराक उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी अच्छी तरीके से उसकी डाइजेशन होगी। तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया है, टू इंक्रीज द सरफेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है यहां पर रज्जी आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टमक का जो अंदरूनी एनाटॉमी आप समझिए, स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला जो है या मिटाएंगे, आप वीडियो पॉज करके ये सारा लिख सकते हैं। अगर हम स्टमक को गौर से देखें तो स्टमक का जो दीवार है वो काफ़ी मोटा है और उसके अंदर आपको पर्दे नज़र आएंगे। तो किस तरह से सबसे आखिर में जो पर्दा होगा बिल्कुल लास्ट में, इसका नाम हम लोग रख देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मोटा करके लिख देता हूँ, ठीक है, ये ब्लैक कलर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो लेयर है इसको हम म्यूकोजा का नाम देंगे, म्यूकोजा, ठीक है। इसका नाम क्या रख देते हैं, म्यूकोजा। ये जो म्यूकोजा है ये स्टमक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इस म्यूकोजा के अंदर आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी, म्यूकोजा काम की चीजें तो इधर आपको नजर आएंगी, यहां आपको बहुत सारे ब्लड वेसल्स नजर आएंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स। इसके अलावा यहां पर आपको नर्व्स, ब्रेन से जो नर्व्स हैं, छोटे छोटे से तारे हैं जो हमारे बॉडी के पुर्जा तक पहुंची हुई है। दिमाग का कनेक्शन स्टमक के साथ भी है, तो दिमाग से नर्व जो है वो भी यहाँ पर आ चुके होंगे, नर्व्स। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तरह से इधर स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पर ग्लैंड्स भी हैं, ग्लैंड्स जो कि थैलेनमा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर जूस प्रोड्यूस होता है, जहाँ से हम डाइजेशन करेंगे, जरासीम को किल करेंगे। तो ये जो ग्लैंड्स है इसका जिक्र फंक्शन में आ जाएगा, स्टमक का जो फंक्शन है। मैं आपको दोबारा से ग्लैंड की तरफ ले आऊँगा, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये चीज़ें जो है ये म्यूकोजा के अंदर है, म्यूकोजा एक लेयर है। म्यूकोजा के बाद एक और लेयर स्टार्ट होगा और उस लेयर का नाम है, क्या नाम है उस लेयर का, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, उस लेयर का नाम है सब म्यूकोजा। और इसका इतना कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं है ये, ठीक है, मतलब इसे जैसे जंक्शन लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर है और उसके अंदर कहने की कुछ ख़ास चीज़ नहीं है, सब म्यूकोजा। अब नाम याद रखना है, ठीक है, सब म्यूकोजा, क्योंकि जो काम की चीजें उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। सब म्यूकोजा के बाद आपको मसल नजर आएगा, मसल के तीन पर्दे आपको नजर आएंगे। तो मैं फिलहाल एक कलर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो है, इसके बाद उसके ऊपर पड़ा हुआ है सारा का सारा एक बहुत बड़ा सा लेयर, एक बहुत बड़ा सा पर्दा जो कि क्या है, मसल का है, मसल, मस्कुलर लेयर। ये जो मस्कुलर लेयर है, इस मस्कुलर लेयर के अंदर आपको मिलेंगे मसल मिलेंगे, और वो भी तीन तरह के मसल आपको मिलेंगे। एक मसल इस तरह से जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और दूसरा जो है उसके बाद इस तरह मसल के गोल होते हैं, ठीक है, जो गोल मसल होते दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मसल। क्या नाम है, सर्कुलर मसल, गोल मसल है। और कुछ इस तरह के मसल भी होते हैं जो ना तो इस तरह से हॉरिजेंटली सीधे जा रहे हैं ना गोल है, बल्कि उससे तिरछे आ रहे हैं इस तरह से ऐसे, ठीक है, जो तिरछे आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ओब्लीक। तो
अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आपको सबसे पहले ओब्लीक मसल नजर आएगा, उसके बाद आपको सर्कुलर नजर आएगा और आखिर में आपको लॉन्गिट्यूडनल। तो ये तीन तरह के मसल्स हैं और याद रखे ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये मसल ये इनवॉलेंटरी है, ये हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते हैं, लेकिन ये ब्रेन के सिग्नल से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। और यही वो मसल है कि जब ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जो मूवमेंट है, एक तो वो मूवमेंट ये प्रोड्यूस करते हैं और स्टमक के अंदर भी चीज़ों की ये तोड़फोड़, जिस तरह आप मुंह के अंदर ग्राइंडिंग करते थे, मिक्सिंग करते थे, तो इसी तरह स्टमक के अंदर भी ग्राइंडिंग और मिक्सिंग होता है। हालांकि डाइजेशन के साथ साथ, जो कि एंजाइम वाला डाइजेशन है, उसके साथ साथ मैकेनिकल डाइजेशन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, स्टमक जो है क्या करते, अपने आप को, अपने वॉल को ऐसा कंट्रैक्ट करके रिलैक्स कर, कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करके अंदर जो भी मटेरियल है उनको मिक्स करते हैं जूस के साथ, जो स्टमक के अंदर जो जूस है जो हमको फंक्शन बताएंगे उसके साथ मिक्स करते हैं। तो ये आगे वो तीन मसल आ गए, ठीक है, मस्कुलर लेयर है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसका किरदार यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद आखिर में थर्ड लेयर है, आखिर में बस बिल्कुल थर्ड लेयर है, बल्कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा अगर फर्स्ट है, सब म्यूकोसा अगर सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर जो था वो मस्कुलर था, हमने इन तीन को एक एक काउंट करके लिखा, थर्ड लेयर जो मस्कुलर है। फोर्थ बहुत ही बारीक सा पर्दा है, जो फोर्थ लेयर है वो बहुत ज़्यादा बारीक सा पर्दा है, बहुत ज़्यादा बारीक सा पर्दा है। अच्छा, वो क्या है, वो है सेरोसा, ठीक है, वो है सेरोसा, SEROS, सेरोसा। ये एक थिन लेयर है जो स्टमक को एब्डोमिनल कैविटी के साथ जस्ट कनेक्ट करते हैं, तो ये सबसे बाहर की तरफ है, ठीक है, सेरोसा इसे जस्ट कनेक्ट करते हैं आपके पूरे स्टमक को आपकी बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, ये जो आपका ये जो इलाका है, ठीक है, यहाँ से अगर हम उसको काट दें, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ऐसे काट दें, ठीक है, ये जो बिस्किट का केक का एक पीस है ऐसे निकाल दें, तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से ये वाला रीजन इस तरह से हटा दूँ, काट दूँ, तो ये पर्दे का एक छोटा सा हिस्सा, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या नज़र आएगा, हाँ, कौन सा ब्लैक कलर है, कौन सा नाम है इसका, म्यूकोसा, गुड। म्यूकोसा के बाद आपका ये क्या है, सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के बाद आपका मस्कुलर लेयर है, ठीक है, मस्कुलर लेयर है, वो मस्कुलर लेयर के बाद सेरोसा है, उसकी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो एक केक का एक पीस है जिसे आपने उठाया, जो कि इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, साइड वाइज इस तरह से पड़ा हुआ है। अब अगर आप देखिए, जब मैंने कहा था स्टमक के अंदरूनी वॉल अंदर अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड्स बने होते हैं, तो वो फोल्ड्स को मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर इस तरह से लिख देता हूं, ऐसे ऐसे यहां पर क्या चीजें, ये जो है ये वो फोल्ड्स है, आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस इन फोल्ड्स का नाम क्या है, यहां पर इन फोल्ड्स का नाम है रज्जी। और ये जो खड्डे आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर जो खड्डा है, ठीक है, ये एक खड्डा है, ठीक है, अंदर जो खड्डे नजर आ रहे हैं उन खड्डों का नाम क्या है, उन खड्डों का नाम है गैस्ट्रिक पिट्स। लेक्चर को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं मजीद क्या करता हूँ, इसको और बड़ा कर देता हूँ। नंबर वन, एक तो अगर ये केक का पीस इस तरह पड़ा हुआ है, मैं बोर्ड पर इसको ऐसे करके रख देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके रख देता हूं। अच्छा, तो फिर क्या होगा, यहां पर अब हमारे पास ये कौन सा लेयर है, म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद मस्कुलर लेयर। अब हमने इन इनके साथ हमारा अब कोई खास लेना देना नहीं, अब हम यहाँ पर आएंगे, ये बहुत बेहतरीन लेयर है, इसके अंदर हमने कुछ देखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर गौर से आके देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, ठीक है,
ये अंदर की तरफ है ना, वो खड्डे है ना, पिट्स है। अच्छा, ये इस तरह से सारा का सारा जो एक लेयर है इसके अंदर, म्यूकोजा का लेयर, इसके अंदर इस तरह गैस्ट्रिक पिट्स है। और आप ये जो बिल्कुल ओपनिंग है, ये जो इसके दरवाजे हैं, दरवाजों को आप क्या नाम देते हैं? दरवाजों को आप नाम देते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। लेकिन जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ जो आया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा, जो आपने कहा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, तो वो ये है, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब मैं क्या करूंगा, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसको बाहर उठाकर थोड़ा सा बड़ा करके आपके लिए मैं दोबारा से लिख लेता हूं। अगर हम इसको बड़ा करके लिखें तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि यहां पर आपको सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। इधर आपको सेल्स नजर, देखो हम इतने डेप्थ में जा रहे हैं कि अब सेल नजर आना शुरू हो गया है, ठीक है, डेप्थ में आप जा रहे हैं। माइक्रो लेवल पे, आप टिश्यू लेवल पर हिस्टोलॉजी की सब आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपको सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। ये है यहां भाई आपके सेल, याद रखिएगा, ये आप इसको एपिथेलियल सेल्स भी आप इसका नाम देख सकते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, ये है आपके एपिथेलियल सेल्स यहां पर है। जाहिर है इसके सामने क्या है, सामने तो एक कमरा है, स्टमक जो है एक्सपोज्ड हो गया है इसके अंदर, और स्टमक के अंदर जो भी खुराक आएगा, पानी है, इंजाइम जो कुछ भी है, वो अगर एक्सपोज करे तो वो इस जगह के साथ टच होंगे, ठीक है, इस जगह के साथ टच होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास सेल्स नजर आए, अपने नाम याद रखना है, ठीक है, सेल्स का अपने नाम याद रखना है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये तो गैस्ट्रिक पिट है ना, दरवाजा है, एंट्री पॉइंट है, ये कंटिन्यू है, ये आगे जाकर कंटिन्यू है, लेकिन हमने तो उसको शो नहीं करना है, हमें सिर्फ एक छोटा सा जगह निकाला हुआ है। यहां पर आपको सबसे पहले सेल्स नजर आएंगे, ठीक है, यहां पर म्यूकस या गोबलेट सेल्स, ठीक है, अपने नाम याद रखना है। यहां पर आपको सेल्स नजर आएंगे, आपने उसका नाम क्या रखना है? म्यूकस या फिर गोबलेट सेल्स। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं म्यूकस सेल्स, या फिर आप उसको क्या नाम दे सकते हैं? गोबलेट सेल्स, ये हो गए म्यूकस या गोबलेट सेल्स। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को, ठीक है, म्यूकस, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं म्यूसिन, ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक हिफाजती केमिकल है जो स्टमक की दीवार को अंदर से इसकी हिफाजत करते हैं, ये फंक्शन में आ जाएगा, स्टमक के फंक्शन में आ जाएगा। इसके बाद आपको सेल्स नजर आएंगे पेरेटल या ऑक्सेंट्रिक सेल्स के नाम से, ठीक है, इस तरह से, ये आपको इस तरह से, ठीक है, ये आ गए। और सेल्स आपको नजर आएंगे, इनका नाम क्या है? पेरिटल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सेंट्रिक। दूसरा नाम इसका क्या है? ऑक्सेंट्रिक सेल्स, ऑक्सेंट्रिक सेल्स, ऑक्सेंट्रिक सेल्स या पेरिटल सेल्स। ये क्या करते हैं? ये HCl को प्रोड्यूस करते हैं, तेजाब को प्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल अपने नाम याद रखना है क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक और तरह का सेल, चीफ सेल या जाइमोजिन सेल, उसके बाद है हमारे पास कौन से सेल है, और तरह के सेल्स हैं, ठीक है, इस तरफ उनका नाम क्या है? चीफ सेल्स, या फिर आप उसको नाम दे सकते हैं जाइमोजिन सेल्स। ये जो चीफ सेल है या जाइमोजिन सेल है, ये क्या करते हैं? ये एक एंजाइम को रिलीज करते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर वैसे तो तीन तरह के सेल्स है, एंडोक्राइन टाइप के सेल्स हैं, लेकिन उसमें एक बहुत मशहूर है, वो क्या है? वो है जी सेल्स।
वो है जी सेल्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जी सेल्स। और जी सेल्स क्या करते हैं, जी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन को। ये मतलब एक किस्म का एंडोक्राइन सेल है, आप कह सकते हैं एंडोक्राइन वो सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स निकालते हैं। तो दिस इज ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन को ये रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये था बिलाखिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसका पूरा का पूरा हम देख लिया। अब आप देखिए आपके स्टमक के अंदर इस तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत सारे लगे हुए हैं, कौन से लेयर में, म्यूकोजा का जो लेयर उसके अंदर लगे हुए हैं। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ, जो स्टमक का फंक्शन है वो मैं आपको इन्हीं चीजों से समझा देता हूँ, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको यहां से समझाना शुरू कर लेता हूँ, फंक्शन ऑफ द स्टमक। अच्छा फंक्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक का जो फंक्शन है वो शुरू शुरू में तो मैं बताता हूँ स्टोरेज भी है, ठीक है। हम लोग अक्सर समझते हैं कि ये सिर्फ हाजमा में है, डाइजेशन नहीं 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 डाइजेशन के अलावा ये स्टोरेज भी करते हैं, ठीक है। जो आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आपके स्टमक के अंदर पड़ा रहता है, आस्ता आस्ता वो डाइजेशन के लिए प्रोवाइड करता है। वरना अगर स्टमक का स्टोरेज वाला निज़ाम ना होता तो आपको बार बार जो है 24 घंटे आपके हाथ में कुछ होता खाने के लिए, गुजारा करने के लिए, सही है। तो ये स्टोरेज है। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्टमक के अंदर क्या होती है, खुराक को मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग भी यहाँ पर होती है, ग्राइंडिंग भी होती है। आपके स्टमक के अंदर जब खुराक आ जाएगा तो उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है और थोड़ा सा उसको ग्राइंड भी किया जाता है, क्योंकि स्टमक का अपना एक मैकेनिकल एक्शन भी है। अच्छा, मिक्सिंग ग्राइंडिंग के बाद अब हम आते हैं इसके स्टमक के अंदर जो जूस है, उस जूस का नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। ये स्टमक का मेन काम है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है, ये वो तमाम लिक्विड मिक्सचर है जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में लिक्विड तो है लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर हम गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन किस चीज़ की कंपोजिशन भाई, किस चीज़ की, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन, किसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई हमारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पता है इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। नंबर वन म्यूकस होगा इसमें, नंबर वन पहले नंबर पर हम क्या लिख देते हैं भाई कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले नंबर पर आएगा म्यूकस, ठीक है म्यूकस। अच्छा दूसरे नंबर पर जो है वो क्या है, HCL है। दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास, HCL है, HCL तेजाब है जो कि पेरिटल सेल से रिलीज हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास पेप्सिन है, पेप्सिनोजिन है। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिन है और प्रोरेनिन है। चार नंबर पर क्या है, गैस्ट्रिन और पांचवें नंबर पर क्या है, प्रोरेनिन। ये पांच चीज़ें गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि क्या क्या काम है इनका। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है जो कि स्टमक के दीवार को अंदर की तरफ से, ये देख दे दिया, यहां पर आप आ जाओ, ये जो स्टमक का वॉल है अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से जहर है, ये क्या है, ये टिश्यू है और अंदर की तरफ से तेजाब इसको खराब कर सकते हैं, तेजाब इसको खराब कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि इसको अंदर से कोट किया जाएगा, ठीक है, हिफाजती सब्सटेंस, इसको पेंट किया जाएगा। वो पेंट क्या है, वो म्यूकस है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके आपके लिए इस तरह लिखूं कि ये क्या चीज़ है, ये म्यूकस है, इसकी हिफाजत करेगा दीवार को, साथ ही साथ ये म्यूकस अपने आप को शो करेगा एज अ बफर। बफर का मतलब ये है कि ये जो एसिडिक सब्सटेंस है, यहाँ पर जो तेजाब है, उस तेजाब के असर को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब आप इसे कह सकते हैं। वरना अगर ये म्यूकस ना होता तो वो तेजाब क्या करेगा, वो स्टमक के वॉल को ख़राब करना शुरू करेगा, जिससे एक बीमारी भी हो सकती है जिसका नाम है अल्सर, ठीक है, अल
अल्सर। बफर उस चीज को कहते हैं जो आमतौर पर किसी चीज का पीएच को मेंटेन करते हैं। तो पीएच चूंकि एसिडिटी और बेसिसिटी के साथ लिंक है, तो आपका जो म्यूकस है वो बतौर बफर काम करेगा पीएच को मेंटेन करने के लिए, ताकि स्टमक वॉल को नुकसान ना पहुंचे। एचसीएल, एचसीएल के दो काम है। नंबर वन, इसका जो पहला काम है ये क्या है, किल करते हैं किस चीज को, बैक्टीरिया को, ठीक है, किल करते हैं बैक्टीरिया को, पहला काम। दूसरा काम, ये नामुकमल इंजाइम को मुकमल करते हैं, इनकम्प्लीट इंजाइम को कंप्लीट करते हैं, या इनएक्टिव इंजाइम ज्यादा कहना बेहतर होगा, इनएक्टिव इंजाइम, इनएक्टिव। जैसे कि ये जो है ये कौन, ये पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन हमारे पास क्या है, इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर सकता पेप्सिनोजिन। ये जब भी निकलता है तो इसके ऊपर ये एचसीएल काम करके, एचसीएल काम करके इसको कन्वर्ट करता है किस चीज में, पेप्सिन में। पेप्सिन बदमाश एंजाइम है, ये काम कर सकता है, प्रोटीन को तोड़ सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पेप्सिन क्या है, एक्टिव है, और पेप्सिनोजिन क्या है, इनएक्टिव है। पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम, और ये काम कौन करेगा, एचसीएल करेगा। तो एचसीएल का ड्यूटी भी यहां पे खत्म हो गया। और हाँ, एचसीएल स्टमक के अंदर माहौल तेजाबी बना रहा है, ये 2.0 तक, अच्छा बाज बुक में 1.5 से लेकर 2.0, बाज में 2.0 से लेकर 2.5। तो अगर आपकी बुक में ये वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर हो रही है तो अब मसला नहीं है। जो पीएच है ये अराउंड 2 का जो पीएच, बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच है, तो ये पीएच को 2 करता है। स्टमक के अंदर जो माहौल है तेजाबी माहौल है, स्टमक के अंदर जो एंजाइम काम करेंगे वो तेजाबी माहौल में काम कर सकते हैं, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम को अगर आपने तेजाबी पीएच दिया तो काम करेगा, अदरवाइज अगर इसको आपने एसिडिक पीएच नहीं दिया तो काम नहीं करेगा। स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, बाकी चर्बी और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं है। हम समझते हैं कि स्टमक के अंदर सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, गलत है, रॉन्ग। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, अच्छा ये एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है। और ये क्या करते हैं, आपके स्टमक में ऊपर से जब प्रोटीन आ जाता है तो वो प्रोटीन क्या करता है, वो प्रोटीन इस गैस्ट्रिन को रिलीज करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जब रिलीज हो जाता है, ये डायरेक्ट स्टमक में नहीं आता, बात याद रखिएगा, हार्मोन है, ये डायरेक्ट स्टमक में दाखिल नहीं होता। ये गैस्ट्रिन हार्मोन हालांकि यहां पर ही है, ये पहले खून में शामिल हो जाता है, ब्लड में, ब्लड से फिर आकर जो है स्टमक में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्ट रहते थे क्योंकि हार्मोन है। अच्छा, तो जब ये ब्लड के जरिए आपके स्टमक में आ ही जाता है, फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, निकाल देते हैं, किस चीज़ को निकाल देते हैं, मजीद पेप्सिनोजिन को, मजीद पेप्सिनोजिन को ये निकाल दें कि भाई और पेप्सिनोजिन निकाल दो। पेप्सिनोजिन थोड़ा बहुत निकलता रहता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेप्सिनोजिन चाहिए तो ज़्यादा पेप्सिनोजिन के लिए गैस्ट्रिन हार्मोन आएगा, वो उसको स्टिमुलेट करेगा। और याद रखिएगा, ये जो स्टमक के अंदर जो जूस बाहर आ रहा है, ये खुद ब खुद नहीं आएगा जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं मिलेगा। इसमें आप ये भी शामिल है, जब आप किसी चीज़ को स्मेल करते हैं या जायका चेक करते हैं, तो ज़बान या स्मेल के साथ ये चूँकि ज़बान, नाक और ज़बान आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है, तो आपका ब्रेन फिर आपके स्टमक के साथ कनेक्ट है। तो जब आप किसी अच्छी चीज़ को सूंघते हैं या ज़बान पे चेक करते हैं, तो सिग्नल आपके ब्रेन में जाकर ब्रेन वहाँ से इनके पहुँचने से पहले वहाँ पर चीज़ों को निकाल देते हैं, ठीक है, जूस को निकाल देते हैं। तो ये सारा का सारा नर्वस स्टिमुलेशन है। अच्छा, लास्ट में प्रोरेनिन है। प्रोरेनिन क्या करते हैं, प्रोरेनिन ये इसका काम ये बच्चों में होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये चिल्ड्रन में होता है प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन का काम क्या है, ये मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने एक प्रोटीन का नाम सुना होगा, एक प्रोटीन का नाम आपने सुना होगा, कैसिनोजिन, ठीक है, कैसिनोजिन, ये एक प्रोटीन है जो कि दूध के अंदर होता है, कैसिनोजिन, बच्चे दूध देते हैं ना, तो कैसिनोजिन को, अच्छा ये कैसिनोजिन जो है ये सॉल्युबल है, ये क्या है, ये सॉल्युबल है, मतलब ये
डिसॉल्व हो सकता है पानी के अंदर, सॉल्युबल है। ये जो कैजिनोजिन है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, केजीन में, केजीन, CAESN, केजीन। केजीन एक इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल प्रोटीन है। और आपने तो पढ़ा होगा कि जब एक सॉल्युबल प्रोटीन को इनसॉल्युबल किया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोगुलेशन, कोगुलेशन कहते हैं ना, लेकिन इसको आप कर्डलिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कर्डलिंग, कर्डलिंग ऑफ द मिल्क या कोगुलेशन, तो आप यहां पर कोगुलेशन भी कह सकते हैं, कोगुलेशन। अब ये काम कौन करता है, ये एक एंजाइम करेगा जिसका नाम है प्रोरेनिन, रेनिन, प्रोरेनिन जो है वो इनएक्टिव है, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा रेनिन में। तो ये रेनिन जो है ये कैजिनोजिन को कन्वर्ट करता है केजिन में। बच्चों में ऐसा क्यों होता है, ये असल में आसानी से डाइजेस्ट होता है, ये डाइजेशन का मैं मसला करती, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो ये सबसे पहले केजिन में आएगा ताकि आराम से अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, उस पर काम किया जा सके। अच्छा, एक बात और भी याद रखिए कि रेनिन का जो लफ्ज़ है, आपको एक और लफ्ज़ रेनिन के नाम से मिलेगा आपके किडनी में, वो अलग रेनिन है, उसके लास्ट में ई आ रहा है रेनिन, लेकिन उसका काम जो है ब्लड प्रेशर के साथ है। तो जब हम किडनी में शिफ्ट हो जाएंगे, किडनी में या ब्लड प्रेशर के टॉपिक में किसी न किसी दिन हम आपको बताएंगे, वहाँ पर जो है रेनिन का जिक्र है। तो एक रेनिन ये वाला रेनिन है RENIN, और जो है एक RENINE रेनिन है, दोनों का अपने फर्क करना है। तो इसके साथ ही स्टमक सारा का सारा कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करके बताता हूँ कि आज हमने पढ़ा स्टमक, स्टमक जो है एक बैग है, ठीक है, सारा का जो पाइप है वो GIT है, वो पाइप है, लेकिन उस पाइप में आपको कहीं पर बैग भी नजर आ रहा है, पाइप कहाँ कहीं पर जो है इस तरह से फैल रहा है बैग की शक्ल में, उस थैले का नाम है स्टमक। स्टमक के अंदर जो है हमने देखा कि बेसिक लेयर्स है, सबसे अंदर जो है वो म्यूकोजा है, उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर मसल का लेयर है, उसके बाद सेरोसा, चार लेयर थे, चार में से जो दो लेयर थे बड़े स्पेशल थे, मसल वाला लेयर जो जो स्टमक को मूवमेंट दे रहे थे, और उसके बाद जो है म्यूकोजा है, म्यूकोजा भी बहुत स्पेशल लेयर था, क्योंकि म्यूकोजा के अंदर हमने देखा था कि म्यूकोजा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को जब हमने बाहर निकाला तो हमने देखा कि इसके अंदर एक ओपनिंग है जिसका नाम है गैस्ट्रिक पिट, और ये सारा खाली इलाका है, इसके अंदर आसपास सेल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स थे, जिसमें से था एक था म्यूकस सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, पैरेटल सेल जो HCL प्रोड्यूस करते हैं, चीप सेल जो पेप्सोजन प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक हार्मोनल सेल्स भी है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो तमाम के तमाम मिक्सचर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन हमने स्टमक के फंक्शन में बता दिया था। तो स्टमक का जो फंक्शन है, एक तो ये स्टोरेज है, मिक्सिंग है, साथ साथ स्टमक का जो दूसरा मेन फंक्शन है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ है। गैस्ट्रिक जूस सारा का सारा आपने पढ़ लिया, क्या क्या चीजें हैं, और आपने ये भी देखा कि हर केमिकल का क्या क्या काम है। आई होप आपके सामने पेज होगा, आपने सारे लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा। इसके साथ ही लेक्चर यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, और लेक्चर के आखिर में मैं आपको कुछ बताना भी चाहूँगा कि शक जो है, डाउट, शक करना, आपका माइंड हमेशा से नेगेटिव चीज़ों को, किसी के बारे में जब कोई गलत बोलता है तो वो आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है, हाँ 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 यस वो ऐसा है, वो बुरा है, वो ऐसा 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 है, लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सुन लेते तो आपका माइंड थोड़ा उस पर देखता है, अच्छा क्या वो पॉजिटिव वाकई में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो किसी दूसरे शख्स के करेक्टर पर पॉजिटिव सोचना, ये आपका माइंड थोड़ा सा लेट एक्सेप्ट करता है, लेकिन किसी दूसरे शख्स पर नेगेटिव सोच लेना आपका माइंड जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो सबसे पहले आप अपने आप के साथ थोड़ा सा ख्याल रखें कि दूसरों के दूसरे जो है वो आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तो उनका कमाल है, वो तो आपको खुद क्या करना चाहिए, आपको अपना थिंकिंग लेवल को एनर्जी देकर आपने उसको मेंटेन करना होगा, यानी कोशिश करें कि शक और शुभात दूसरों के बारे में आप ख़त्म करें, नेगेटिव सोचना आप बंद कर देंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि अपने आप से पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे इनके बारे में, नहीं नहीं ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है, ये बुरा नहीं हो सकता है, ऐसा ऐसा। जब आप एक बार पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाते हैं आप अंदर से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये लाजमी है, ये आपको करना होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।